Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। चैनल को तकरीबन 7 दिन हो गए हैं और 76 सब्सक्राइबर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत प्यार किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो आज जिस परफ्यूम का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है फारेनहाइट बाय डियोर। 75 ml की बॉटल है, प्योर परफ्यूम कंसंट्रेशन, मेड इन फ्रांस, कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। सो चलें इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो हियर इज द बॉटल। इट्स अ नॉर्मल वेट कैप बट प्योर मेटल से बना हुआ है। छोटा सा कैप है इसका, बॉटल भी कोई इतनी बड़ी नहीं है बिकॉज इट्स अ 75 ml जूस। CD लिखा हुआ है, क्रिश्चियन डियोर मेड इन फ्रांस 75 ml प्योर परफ्यूम। शेडी ग्लास है इसका, नीचे से ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से जाकर ये ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है। सो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर पहले काम करूंगा लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं इसकी पहले वीडियो बना लूं, लेकिन बस बाकी वीडियोस को शेड्यूल में मैंने किया हुआ था। सो आज मौका मिला इसको एक्सप्लेन करने का। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू के बारे में बता देता हूँ। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप नोट्स में इसके स्वेड लेदर है जो कि बहुत कम परफ्यूमरीज में देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ इसमें सिसिलियन मैंड्रिन है जो कि इटालियन ऑरेंज है। उसके साथ साथ मिडिल नोट्स में इसके रम और कोरिएंडर है, और बेस नोट्स में इसके वेनेला है। अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको एक्सेप्टेबल वर्जन ऑफ लेदर स्वीटनेस के साथ, वेनिला की स्वीटनेस के साथ आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक लेदर फील होगा। साथ ही साथ आपको हल्के से सिट्रसी नोट्स फील हो रहे होंगे जो कि 15 से 20 मिनट में सेटल डाउन हो जाते हैं। बेसिकली लेदर क्योंकि कड़वा होता है और ये स्वेड लेदर है तो ये एक्सेप्टेबल वर्जन है बाकी लेदर से। जैसे टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर है उस टाइप का लेदर नहीं है ये, या बाकी परफ्यूमरीज में जो लेदर यूज़ हुआ है ये उससे काफ़ी डिफरेंट लेदर है। स्वीट लेदर के साथ साथ आपको वेनिला के हिंट्स फील होंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब ये सेटल हो जाएगी तो इसके अंदर कोरिएंडर का, मतलब जो खुश धनिया होता है, उसका हल्का सा नोट फील होगा आपको, जो कि आई थिंक इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक ट्विस्ट पैदा करने के लिए डाला गया। और साथ ही साथ आपको बूजी वेनिला और स्वीट लेदर फील होता रहेगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत लेदर है, बाकी लेदर से बहुत डिफरेंट है ये। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा कोरिएंडर, जो खुश धनिया है, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। और खुश धनिया जो मैं बता रहा हूँ ये इस तरह नहीं कि जैसे हम धनिया की स्मेल को समझें, परफ्यूमरीज में उनका इस्तेमाल कुछ और तरीके से किया जाता है जो कि हमें एक्सेप्टेबल होता है, मतलब हमारी नोज़ को अच्छा लगता है। इस तरह नहीं कि आप किसी मसाले का डब्बा सूंघ लें और आपको वो खुशबू सेम टू सेम आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। परफ्यूमरीज में उनका काम बहुत डिफरेंट तरीके से होता है और जो उस खुशबू की नेचर होती है वो उसको डिफाइन कर रही होती है उस परफ्यूमरी में। सो इस परफ्यूम के अंदर जो मेन नोट्स हैं जो कि शुरू से लेकर आखिर तक रोल अदा कर रहे हैं वो है स्वेड लेदर और वेनिला, जो कि ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक आपके साथ ही रहेंगे। और यही इस परफ्यूम की खूबसूरती है कि ये एक जेंटलमैन फ्रेगरेंस है और बहुत ही ज़्यादा मैनली फ्रेगरेंस है ये, बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है ये। फारेनहाइट के जो बाकी वेरियंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप नोच वेरियंट है वो ये वाला है, क्योंकि इससे पहले जो वेरिएंट थे ला परफ्यूम आई थिंक नाम था उसका, उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था तो उस पर काफ़ी लोगों ने ये कहा था इट स्मेल्स लाइक अ गैसोलीन, जैसे पेट्रोल स्टेशन जैसी इसमें स्मेल थी, और कुछ लोगों को पसंद आती थी कुछ लोगों को नहीं आती थी। और साथ ही साथ लोगों ने उस पर काफ़ी डिफरेंट तरह के ओपिनियंस दिए हैं, मतलब 50% वो लोगों को समझ में आती थी, 50% नहीं आती थी। थोड़ा सा वो ओल्ड स्कूल फ्रेगरेंस था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉप नोच और मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो यही वाला है फारेनहाइट परफ्यूम। सो ये बहुत ही ज़्यादा लाइकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जेंटलमैन फ्रेगरेंस है ये। अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं इसको जेंटलमैन फ्रेगरेंस कहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली फ्रेगरेंस है, मतलब इसमें अगर 10 में से 9 लोगों को ये लाजमी पसंद आएगी। एक अगर वो होगा जिसे फ्रेगरेंस के बारे में कुछ समझ ना हो तो शायद वो इसे डिसलाइक करे, अदरवाइज 10 में से 9 लोगों को ये समझ में आने वाली फ्रेगरेंस है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा काम हुआ बस। सो इट्स अ जेंटलमैन फ्रेगरेंस, किसी भी एज के मेल्स इसको इजीली वेयर कर सकते हैं, इजी टू वेयर फ्रेगरेंस है। बस जेंडर का ब्रैकेट इस पे ज़रूर लगता है क्योंकि ये टोटली मेल फ्रेगरेंस है, और ऐसा नहीं कि फीमेल्स को ये डिसलाइक हो, फीमेल्स बहुत पसंद करती हैं इस फ्रेगरेंस को अगर किसी जेंटलमैन ने या किसी मेल ने ये वेयर किया हो।
मैं इसे ऑल फोर सीजन्स फ्रेग्रेंस कहूंगा। कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है कि आप गर्मियों में या सर्दियों में वेयर करें, आप सुबह में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी भी फेस्टिवल पे आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन अच्छी खासी प्रोजेक्शन है इसकी। जहाँ तक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे के करीब इसकी प्रोजेक्शन है, अच्छी खासी प्रोजेक्शन है, मोर देन आर्म लेंथ इसकी प्रोजेक्शन है। और उसके बाद लास्टिंग इसकी तकरीबन 6 से 7 घंटे आप एक्सपेक्ट कर लें। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्राइस इसकी तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये के करीब है। सो अगर आप इसकी टेस्टर बॉटल जो कि नॉट फॉर सेल है और मार्केट में ईजिली अवेलेबल है सेलर्स के पास, वो लेना चाहते हैं तो वो थोड़ी इनएक्सपेंसिव है, 2 से 4 हज़ार का प्राइस में फ़र्क होगा या शायद ज़्यादा का हो। या अगर कमर्शियल बॉटल लेना चाहते हैं, आप पार्शल पे फोकस करें कि हो सकता है कि पार्शल आपको कम प्राइस में मिल जाए, हो सकता है 50 ml, 60 ml या 20 ml, 30 ml, जितना भी आपके प्राइस बजट में आती है आप पार्शल बॉटल परचेस करें। और हमेशा कभी भी ब्लाइंड बाय ना करें, हमेशा फ्रेग्रेंस को टेस्ट करके लें, हमेशा एक ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से बाय करें। कोशिश करें कि खुद जाके लें, कोशिश करें कि जिस पे आपको भरोसा है, जिसको आपने आजमाया हुआ है, उसी सेलर से आप परचेस करें, क्योंकि इनकी बहुत सारी कॉपीज़ हैं मार्केट में। डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस की बहुत कॉपीज़ हैं, रीफिल्ड इशूज़ हैं, फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम होती है लेकिन उसकी लास्टिंग 1 या 2 घंटे भी नहीं होती। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।